चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फ्रेंड्स सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जितना फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है सेम नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सेम रहता है। तो फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का सेम रहेगा, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में मिलेगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, सेम सो ऑन चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स सेम मेन पॉइंट एसआई और सीआई में यही है कि फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई सेम रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, फाइंड द सीआई ऑन आरएस 2000 एट 10% पर एनम फॉर टू ईयर। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, सबसे पहले ईयर देखेंगे वन और टू, नेक्स्ट निकालना है 10% ऑफ 2000। तो फ्रेंड्स 10% निकालने की डायरेक्ट ट्रिक यही है कि जो भी सम ऑफ मनी दी होगी उसका जीरो एक काट दो, तो 10% ऑफ 2000 होगा 200। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर का 200 मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में सेम मिलते हैं, तो सेकंड ईयर में भी फ्रेंड्स ये 200 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले 200 जो ऑलरेडी इंटरेस्ट मिला है उस पर भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 200 का 10% जब सेकंड ईयर मिलेगा तो 200 का 10% बन जाएगा 20। तो फ्रेंड्स इन सबको ऐड करोगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 420। तो फ्रेंड्स 420 ही है राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द सीआई ऑन आरएस 5000 एट 10% पर एनम फॉर थ्री ईयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ईयर लेंगे, ईयर है थ्री यानी कि 1, 2, 3, 10% ऑफ 5000। तो फ्रेंड्स एक जीरो काट दो, 10% ऑफ 5000 बनेगा 500। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर हमें इंटरेस्ट मिला 500, सेम सेकंड ईयर भी 500 मिलेगा, थर्ड ईयर भी 500 मिलेगा। फ्रेंड्स अगर होता एसआई तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन सीआई में फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई सेम रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से सीआई जो फर्स्ट ईयर एसआई पे इंटरेस्ट सीआई पे इंटरेस्ट मिला था यानी कि 500, तो सेकंड ईयर पे उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब 500 का भी 10% निकल के आएगा 50 सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में पहले इन दोनों का 10% मिलेगा यानी कि 50 इसका मिलेगा, 50 इसका मिलेगा, और 10% इसका मिलेगा यानी कि 5। तो फ्रेंड्स इन सबको ऐड करना है, 5 × 3 यानी कि 1600 1600 1655। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 1655 ही होगा हमारा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, फाइंड द सीआई ऑन आरएस 8000 एट 5% पर एनम फॉर 2.5 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ईयर देखेंगे, ईयर है टू ईयर फुल है और एक हाफ है यानी कि 2.5 ईयर, तो हम फुल ईयर फर्स्ट होगा, सेकंड भी फुल ईयर होगा और थर्ड होगा हाफ ईयर। तो फ्रेंड्स 5% ऑफ 8000। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहां से 10% बनाऊं तो 10% ऑफ 8000 होगा सीधा सीधा 800, अगर 800 हो रहा है 10% तो 5% होगा 400। तो फर्स्ट ईयर फुल ईयर है तो 400 मिलेगा, सेकंड ईयर भी फुल है तो 400 मिलेगा। फ्रेंड्स अगर फुल ईयर का 400 मिल रहा है तो हाफ ईयर का यानी कि आधा मिलेगा 200। फ्रेंड्स अब एसआई और सीआई सेम रहता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में इसका भी 5% मिलेगा, अगर 10% इसका मिलता तो बनता 40, लेकिन 5% मिलेगा तो फ्रेंड्स बनेगा 20। और थर्ड ईयर में इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका मिलेगा 5% मिलेगा तो बनेगा 20, बट
फुल ईयर का, लेकिन फ्रेंड्स ईयर है हाफ, अगर 20 मिल रहा है 5% ऑफ 400 का, तो फुल ईयर का हाफ ईयर का मिलेगा 10, तो सेम इसका भी 10 मिलेगा फ्रेंड्स। अब इसका 5% कितना होगा, अगर 10% लू इसका तो बनेगा 2, 5% बनेगा 1, लेकिन 1 होगा फुल ईयर का फ्रेंड्स, ये है हाफ ईयर, यानी कि 0.5 बनेगा। तो फ्रेंड्स इन सबको हम सम करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1040.50 फ्रेंड्स, यही है आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ, फ्रेंड्स कहता है कि मनी थ्राइस हो जाती है 16 इयर्स में, सो इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी 27 टाइम्स इटसेल्फ, अगर थ्राइस हो जाती है 16 ईयर में तो वही मनी 27 टाइम कितने ईयर में होगी। तो फ्रेंड्स इसकी डायरेक्ट ट्रिक है एन टू इक्वल टू एन वन टी टू अपॉन टी वन, तो फ्रेंड्स हमें एन वन एन टू और टी वन दिया है, यानी कि हमने टी टू निकालना है। तो फ्रेंड्स एन टू है हमारा 27, एन वन है हमारा थ्राइस थ्राइस यानी कि 3, टी टू हमने निकालना है और टी वन दिया है हमें 16 ईयर। तो फ्रेंड्स पहले 27 को ब्रेक कर लेते हैं, 3 का क्यूब ही होता है 27, तो फ्रेंड्स ये बन जाएगा 3 की पावर टी टू अपॉन 16, तो फ्रेंड्स यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 3 इक्वल टू टी टू अपॉन 16, तो फ्रेंड्स यहां से आपका टाइम निकल के आया टी टू हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 48 ईयर्स, तो 48 ईयर ही होगा आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल इस तरह की ले लेते हैं। सेम फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि कोई मनी ट्वाइस दुगनी हो जाती है 8 साल में, वही मनी 32 टाइम कितने साल में होगी। तो सेम फ्रेंड्स एन टू आपका बनेगा एन वन टी टू अपॉन टी वन, तो फ्रेंड्स एन टू है आपका 32, एन वन है आपका ट्वाइस यानी कि 2, टी टू अपॉन टी वन आपका 8। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ब्रेक करेंगे हम 32 को भी 2 में, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 बन जाएगा आपका 32, तो सेम फ्रेंड राइट साइड बनेगा 2 की पावर टी टू अपॉन 8। फ्रेंड्स नंबर ऑफ 2 देखने हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 बन जाएगी आपकी 2 की पावर टी टू अपॉन 8 के बराबर, जहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा आपका 5 टी टू अपॉन 8, तो फ्रेंड्स जहां से आपका टी टू निकल के आया 8 मल्टीप्लाई 5 40 ईयर्स, तो फ्रेंड्स 40 ईयर्स ही है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक नया कंसेप्ट आया डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल उसकी ले लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होगा डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई और उसमें ईयर होंगे 2 यानी कि 2 साल के लिए पूछा होगा, तो ये फार्मूला लगेगा पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000। सेम पूछा होगा डिफरेंस फॉर 3 ईयर 3 साल के लिए पूछा होगा, तो फ्रेंड्स फार्मूला होगा पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000 इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंस बिटवीन की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन आर एस 8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। फ्रेंड्स हमने डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जबकि हमें प्रिंसिपल दिया है 8,000, टाइम दिया है 2 साल और रेट दिया 10%, तो फ्रेंड्स 2 ईयर का फार्मूला बनेगा सीआई माइनस एसआई का
पी आर स्क्वेयर अपॉन 10,000। तो फ्रेंड्स पी है यहां से आपका 8,000, आर है आपका 10, तो आर स्क्वेयर यानी कि 10 × 10 अपॉन 10,000। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहीं से आपका राइट आंसर होगा ए बी। चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन आर एस 8,000 फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। फ्रेंड्स डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल हमें दिया है 8,000, टाइम हमें दिया है 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%। तो फ्रेंड्स 3 साल के लिए जब भी पूछेंगे तो हमारा सी आई माइनस एस आई बन जाएगा पी आर स्क्वेयर अपॉन 10,000 × 300 प्लस आर अपॉन 100। तो फ्रेंड्स जहां से आपका पी है 8,000, आर स्क्वेयर यानी कि 5 का स्क्वेयर 5 × 5 = 25 बन जाएगा अपॉन 10,000 × 300 प्लस आर। तो 300 प्लस आर है आपका 5 अपॉन 100। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहां से 4 × 8 सेम 5 × 10, 5 × 5 = 25 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जहां से 5 × 4 = 20 × 300 + 5 = 300 × 5 / 100। तो फ्रेंड्स 300 5 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। तो फ्रेंड्स 20 से मत करो, डायरेक्ट ट्रिक है कि पहले 0 हटा दो, 300 5 की 2 से करो तो आपका बन जाएगा 610। तो फ्रेंड्स जो 0 हटाया है उसी 0 को साथ में लगा दो, सेम बनेगा फ्रेंड्स आपका। 305 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 6100, तो डिवाइड होगा 100 से। तो फ्रेंड्स दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, जहां से आपका बचा 61, तो 61 ही है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स इसी के साथ समाप्त हो रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।